गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर नंबर 4। लास्ट टाइम हम लोग ने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो आज हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 5, प्रोसीजर इन MSW लोगो। क्या प्रोसीजर्स होते हैं MSW लोगो के? ओके, योर इंट्रोडक्शन इज वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अर्लियर अबाउट प्रिमिटिव्स इन MSW लोगो। हम लोग ने पहले भी MSW लोगो के बारे में पढ़ा था, इसके प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ा था। प्रिमिटिव्स आर द इंस्ट्रक्शन और कमांड गिवन ऑन द स्क्रीन ऑफ द कमांडर विंडो ऑफ MSW लोगो। MSW लोगो की जो कमांडर विंडो होती है, उसके ऊपर जो हमारे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, कमांड्स दिए होते हैं, वे क्या होते हैं? वे हमारे उस इंस्ट्रक्शन के प्रिमिटिव्स होते हैं। ओके, द टर्टल ऑन द ग्राफिक्स विंडो मूव्स अराउंड एज पर दिस इंस्ट्रक्शन टू ड्रॉ और परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वे क्या होते हैं? वो एक आपको विंडो के ऊपर बहुत से फंक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। जो हमारा टर्टल होता है, वो मूव करता रहता है और इन सारे फंक्शनों को वो परफॉर्म करता है। तो आज हम लोग उसी प्रिमिटिव्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट प्रोसीजर्स आफ्टर अ क्विक रिकैप ऑफ प्रिमिटिव्स। इस चैप्टर में हम लोग प्रिमिटिव्स के जो प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ एसेंशियल टू रिवाइज द प्रिमिटिव्स एज वी नीड टू यूज दैम टू क्रिएट प्रोसीजर्स। ओके, नाउ देखिए, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, कमांड शॉर्टकट एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर साइड में आपको सारे कमांड्स दिए हुए हैं, उसका शॉर्टकट की दी हुई है कि आप अगर कंप्यूटर पे बैठते हो, लैपटॉप पे बैठते हो, तो आपकी विंडोज़ पे क्या होगा, अगर आपको फॉरवर्ड कमांड चलाना है तो आप FT अगर लिख दोगे तो आपका फॉरवर्ड कमांड चल जाएगा। ओके, तो सारे आपकी शॉर्टकट कीज दी हुई है यहाँ पर। सो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर इज़ फॉरवर्ड की शॉर्टकट की तैयार क्या दे रखी है, FT मीन्स मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर इंडिकेटेड। मीन्स जो टर्टल होता है वो हमारा मूव करता है, किसमें, आगे की तरफ मूव करता है। जैसे भी नंबर इंडिकेट होते हैं तो आगे बढ़ाना, दैट मीन्स फॉरवर्ड करना। ओके, नाउ सेकेंड इज़ बैक। बैक मीन्स बैक की शॉर्टकट की है BK, मीन्स पीछे करना। मूव द टर्टल बैक अकॉर्डिंग टू द नंबर इंडिकेटेड। आपको अगर उस कर्सर को या टर्टल को आपको पीछे करना है, तो आप उसको पीछे कर सकते हो नंबर इंडिकेशन करने के लिए। ओके, अगर आपको पीछे के नंबर पे जाना है तो आप बैक का कमांड दबा सकते हो। नाउ राइट का जो शॉर्टकट की है वो है RT, मीन्स अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है, राइट डायरेक्शन पे जाना है, तो आपको टर्टल पे राइट का कमांड देना होगा। और राइट का कमांड देने के लिए हम लोग चुपके शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स RT। ओके, इसी तरह लेफ्ट की शॉर्टकट की हमारी है LT। ओके, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टर्टल बाय टर्निंग इट टू द लेफ्ट। आप इसकी डायरेक्शन अपनी लेफ्ट की तरफ चेंज कर सकते हो। क्लियर स्क्रीन, देखिए क्लियर स्क्रीन का मतलब होता है कि स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है वो सब साफ करना। इसकी शॉर्टकट की है आपकी CS। Erase the picture before a new picture is drawn and bring the turtle back to the home position. आपने अगर कोई भी पिक्चर बनाई है तो उसको अगर आपको इरेज करना है न्यू पिक्चर के लिए, कि ताकि उसको हटाकर न्यू पिक्चर बना सके, तो आप क्लियर स्क्रीन कर सकते हो और अपने होम पोजिशन पर आ सकते हो वापस। ओके, नाउ होम की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। मेक्स अ टर्टल गो बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजिशन। इस एग्जांपल सेंटर ऑफ द स्क्रीन विद द मॉनिटर समथिंग, किस उस कर्सर के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, होम पोजीशन पे आ सकते हो जहाँ पर आप स्टार्ट करते हो। ओके, स्टार्टिंग पोजीशन पे आ सकते हो उस कर्सर के ज़रिए या टर्टल के ज़रिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लियर टेक्स्ट। मान लीजिए किसी टेक्स्ट को आप क्लियर करना है, कुछ आपने लिखा है, कोई टेक्स्ट लिखा है, वो आपको क्लियर करना है, तो उसकी शॉर्टकट की है हमारी CT। ओके, नाउ द क्लियर टेक्स्ट क्लियर द कमांड इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। हम लोग
क्लियर किसी भी टेक्स्ट को क्लियर कर सकते हैं। कहाँ से? रिकॉल लिस्ट बॉक्स आता है, वहाँ से एक कमांड होता है क्लियर टेक्स्ट, उसको हम क्लियर टेक्स्ट कर सकते हैं। टाइम देखिए, दिस कमांड डिस्प्लेज द करेंट डे एंड टाइम। ये जो कमांड होता है हमारा टाइम का, ये क्या करता है, हमारा डे डेट और टाइम मेंशन करता है। ओके, आपको आपके लैपटॉप पे या मॉनिटर पे आपको डेट डे और टाइम शो करता है। बाय दिस कमांड एक्सेस फ्रॉम द लोगो पर प्रोग्राम। ये कमांड क्या करता है, लोगो प्रोग्राम के एक्सिट में, मतलब जब हमको एक्सिट करना होता है तब आता है। देखिए पेनअप, पेनअप का शॉर्टकट की है आपकी पी यू। दिस कमांड सेट्स द पेनअप आफ्टर दिस प्रिमिटिव। द टर्टल मूव्स एज पर द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द नेक्स्ट कमांड विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन। मीन्स ये कमांड जो होता है, मीन्स ये सेटअप होता है, सेट करते हैं हम लोग पेनअप पे, मतलब प्रिमिटिव्स के बाद द टर्टल मूव करता है नंबर ऑफ स्टेप्स पे, कि हमें दूसरे कमांड पे जाने के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो एक कमांड हम लोग शो करते हैं पेनअप। ओके, इसी तरह पेन डाउन भी करते हैं। दिस कमांड अलाउ द टर्टल टू स्टार्ट ड्राइंग अ लाइन अगेन। अगर हम किसी भी इस लाइन को हमें दोबारा खींचना है तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। ओके, दिस कमांड इज गिवन आफ्टर द पी यू कमांड टू पुट द पेन डाउन सो दैट द टर्टल स्टार्ट ड्राइंग अगेन। द पी डी कमांड इज फॉलोड बाई द एफ डी प्रिमिटिव्स। ओके, इसलिए हमें पेन डाउन का मतलब होता है कि दिस कमांड इज गिवन आफ्टर, यह कमांड क्या करता है, पी यू कमांड के बाद पेन को शो करता है। और जैसे आप ड्राइंग करते हैं ना, दोबारा से ड्राइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरह से ये वर्क करता है। नाउ पेन इरेज, मान लीजिए हमें किसी चीज़ को इरेज करना है तो उसका शॉर्टकट की आप दे रखी है पी ई। अगर पी ई आप शॉर्टकट ये दबाओगे तो आपका पेन इरेज हो जाएगा। दिस कमांड इज़ यूज टू इरेज अ लाइन। ये कमांड क्या करता है, किसी भी लाइन को इरेज करता है, मतलब रफ करता है। ऑन द पी ई कमांड इज गिवन, हम केवल पी ई कमांड देते हैं या एफ टी और बी के कमांड विल इरेज द लाइन्स इन दैट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ ड्राइंग। ये क्या करता है, एफ टी और बी के कमांड जो होते हैं वो आपकी लाइंस को इरेज करते हैं, आपके जो भी आपकी डायरेक्शन होती है, जहाँ पे भी आप ड्राइंग या कुछ लिख रहे होते हैं तो वो आपको इरेज करता है। ओके, पेन पेंट, देखिए पेन पेंट मीन्स पी पी टी, शॉर्टकट की इज पी पी टी। दिस कमांड इज यूज्ड आफ्टर द पी आर द पी यू कमांड सो द टर्टल स्टार्ट ड्राइंग। दिस कमांड इज यूज्ड आफ्टर द, हम लोग जब ये कमांड यूज़ करते हैं तो पी और पी यू कमांड देने के बाद करते हैं। ओके, तब हमारी जो आपकी ड्राइंग होती है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। द पी पी टी कमांड इज़ गिवन फॉलोड बाई अनदर कमांड। पी पी टी जो कमांड होता है वो दूसरे कमांड के द्वारा शुरू होता है, फॉलो होता है। लास्ट इज हाइड टर्टल। अगर आपको टर्टल को हाइड करना है, छुपाना है, तो उसका शॉर्टकट की होती है एच टी। दिस कमांड यूज टू मेक द टर्टल डिसअपियर फ्रॉम द ग्राफिक विंडो। इसमें क्या होता है कि जो आपकी टर्टल होती है वो ग्राफिक विंडो पे शो नहीं होती है। द टर्टल कंटिन्यूज टू ड्रॉ बट कैन नॉट बी सी। टर्टल आपकी ड्रॉ तो होती है बट शो नहीं हो सकती है। ओके, नाउ इट हैज़ फिनिश्ड एंड टूडेज योर होमवर्क इज ओपन द वीडियो एंड रीड द चैप्टर अगेन। ओके, थैंक यू।